मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन के साथ सपा के 5 अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुरादाबाद में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने की मांग की। मुलाकात के बाद सांसद एस टी हसन ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर मीडिया के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो शिकायतें हैं हमने वह उनको दी हैं। वहीं सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम ने बताया कि उन्होंने अपने इलाके के हर मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है। विलारी विधानसभा में आरएल नदी को विलुप्त करने की साजिश चल रही है, उसको मुक्त कराने की मांग की है, तो वहीं आजम खान को लेकर कहा कि हमने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को दी है, उम्मीद है जल्द हमें मिलने का टाइम मिलेगा और हम उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई मुद्दे मुख्यमंत्री को लिख कर दिए हैं, जिन्हें जल्द नहीं सुना गया तो विधानसभा में उन मुद्दों को उठाएंगे। बिदारी विधानसभा के हर मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है और हमने अपनी विधानसभा के मुद्दों को पूरी तरीके से कागज़ पर नोट कर, चाहे बिदारी मंडी समिति का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, विधानसभा में सरकारी विश्वविद्यालय का मामला हो, अग्निशमन केंद्र, सरकारी मॉल का, गन्ना संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र का मामला हो और बिदारी में एक सूत डिपो की बेनतहा आवश्यकता है उसका मामला हो और हमारी विधानसभा के अंदर जो आरएल नदी है उसमें जो विलुप्त करने का पूरा एक साजिश चल रही है उसका पूरा उसको मुक्त कराने का मामला हुआ और लगभग 300 सड़कों का प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। बिलारी में विधानसभा के अंतर्गत मंदिर तोड़ाखेड़ा और दादा मियाँ की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित कराने का मामला दिया और जो लगभग 1000 बीघे हमारी सीलिंग की ज़मीन पड़ी है उसमें कोई बड़ा संस्थान कराने का काम हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ कोई बड़ा संस्था बन जाए। आपने जाने से पहले कहा था कि आजम खान जी को लेकर के बात, हाँ हमने उनके लिए भी एक चिट्ठी लिख करके दी है और हमने ये बात कही है और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द हम लोगों को टाइम मिलेगा और हम लोग जो है इस पर मुलाकात भी मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कह रहे थे कि कुछ बात करने वाले हैं, क्या बात आज, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि वो समीक्षात्मक बैठक थी सभी जिलों की और उसमें जिलों की बैठक के माध्यम से हम लोगों ने अपने विकास के मुद्दों को रखा, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दों को रखा और लोगों की समस्याओं को रखा, उसे मुख्यमंत्री ने सुना और आश्वासन, हमें उम्मीद है कि हमने लिखकर दिए हैं और लिखकर देने के बाद हमें ये उम्मीद हो रही है कि शायद हमारी बात को सुना जाएगा और उम्मीद करते हैं हम लोग, अगर नहीं सुना गया तो हम हाउस में उठाएंगे इस मुद्दों को। मुरादाबाद के विकास कार्यों के लिए सारे विधायकों ने और हमने उनको अपने सजेशन भी दिए हैं और प्रस्ताव भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़े गौर से सुना है और हमें उम्मीद है कि जो भी हमने प्रस्ताव दिए हैं वो उत्तर प्रदेश में और खासतौर से जनपद मुरादाबाद में लागू किए जाएंगे और एक बड़ा फायदा जनता को होगा। मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी कि मुरादाबाद के अंदर 800 एकड़ जमीन ठाकुर द्वारे एरिया में है, हमारी मनसुख मांडिया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं है, अगर ये एम्स मुरादाबाद के अंदर स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत। क्या मदरसा सर्वे को लेकर कोई बात हुई है? कोई बात नहीं। दूसरी जो हमने उनसे डिमांड करी है कि मुरादाबाद को लघु उद्योग क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि आगे आने वाले वक्तों में पीएनजी से जो आर्टिजन अपना काम करते हैं वो उनको कोई रुकावट ना आए, उनसे ये ना कहा जाए कि उद्योग क्षेत्र में जाइए। मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं और पूरी जनता के भी हैं। हमने जो शिकायतें हैं वो मंजर आम पे हम नहीं कह सकते जो बात हुई है, लेकिन सबके साथ इंसाफ का वायदा मुख्यमंत्री।